Good morning everyone. Before starting this video, please subscribe our channel Techno Fiesta and share it to the maximum people. And please don't forget to click on the bell icon for regular updates. Now, हम डिस्कस कर रहे थे एपीसी रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं, जहां पर आपको इन स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू गिवन थी और आपको एक सीक्वेंस फाइंड करना था, या ऐसे अलग अलग कई टाइप के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया है शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। यानी कि एक पर्सन है, उसने अपना कोई भी वर्क शुरू किया है, 1995 ईयर दे रखा है, उस साल में उसने कोई काम शुरू किया और उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 5000 रुपीज एंड रिसीव्ड अ रुपीज 200 रेज इज ईयर। मतलब वो ये कह रहा है कि हर साल उसकी सैलरी जो है 200 रुपए इंक्रीज होती जाती थी। तो अगर मैं इससे एपी फॉर्म करूं तो मेरा स्टार्टिंग टर्म फर्स्ट टर्म क्या आ गया, दैट इज 5000 रुपीज। और वो ये कह रहा है कि हर साल 200 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 200 रुपए उसमें ऐड होते जाएंगे और ये सोन चलती जाएगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7000। मतलब आपको एंथ पर दे दिया, दैट इज 7000 रुपीज। मतलब आपको ये बताना है कि कौन से साल उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। तो अगर मैं इससे देखूं तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म इट मीन स्मॉल ए, वो हमारा आ गया 5000। कॉमन डिफरेंस मुझे इसमें निकालना है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस वो आपको पता चल ही गया होगा कितने रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, दैट इज 200 रुपए। तो ये हो गया हमारा 200 रुपए, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। और अगर उसमें एंथ पद आपको दे दिया ए एन, वो कितना हो गया, एंथ टर्म कितनी आ गई, 7000 रुपीज। अब अगर आपको पता है तो हमारी जनरल टर्म क्या होती है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वही एन क्या हो जाएगा हमारा, वो ईयर हो जाएगा जहां पर उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाती है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए एन की वैल्यू आ गई दैट इज 7000, ए हमारा कितना है 5000 है प्लस एन माइनस वन और डी कितना आ गया, दैट इज 200। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 7000 माइनस 5000 और यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू 200। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। अब ये इधर 200 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2000 को डिवाइड कर देंगे 200 से तो यहाँ एन माइनस वन आ गया। 0 से 0, 0 से 0 और 2 में 10 20 कितनी बार आता है, 10 बार, तो 10 बराबर एन माइनस वन और ये माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का वन, यानी कि एन बराबर क्या हो गया 10 प्लस 1, तो ये हो गया 11th ईयर। मतलब ये 11th ईयर वो साल है जब उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एट 11th ईयर शुभा राव्स सैलरी विल 7000। और अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर His salary will reach rupees 7000। क्लियर, तो दोनों तरीके से आप आंसर देख सकते हो। उसे बोला था इन व्हाट ईयर, कौन से ईयर में, यानी कि 11th ईयर में। और अगर हम कहना चाहें तो 10 साल बाद आफ्टर 10th ईयर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 7000 रुपीज। तो दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, एन की ही मतलब आपको फाइंड करना है कि कौन से, देखते हैं क्वेश्चन। जैसलीन सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। एक साल का जो एक ईयर है, एक वीक है, उसमें वो फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज सेव करता है, ठीक है, हाउ एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75। मतलब फर्स्ट वीक में कितनी कर रहा है वो 5, तो नेक्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1.75। ऐसे क्या कर रहा है वो, अपनी सेविंग को इंक्रीज करता जा रहा है ईच वीक, हर एक सप्ताह में। तो आपको बताना है कि कौन से वीक उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पर भी
वो क्या हो जाएगा, दैट इज 5 स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना इंक्रीज हो रहा है 1.75, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल d दैट इज 1.75, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट हो रहा है हर सप्ताह में। तो जैसे पहला 5 था तो नेक्स्ट क्या हो गया 6.75, फिर उसमें फिर 1.75 ऐड करेंगे, तो यानी कि हर वीक में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 1.75। और वो ये कह रहा है कि आपको कितनी सैलरीज बनानी है, दैट इज an कितना दे रखा है, सेविंग कितनी बतानी है कि कौन से वीक में 20.75 रुपीज उसकी सेविंग हो जाएगी। तो वही हमारी जनरल टर्म, दैट इज an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d क्यों हो गया, an हमारा कितना हो जाएगा 20.75 और a बराबर 5a प्लस n हमें नहीं पता और d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 1.75 के। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस 5, यानी 20.75 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे और यहां क्या है n माइनस 1 इनटू 1.75 है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 5 जब माइनस करेंगे 20 में से तो कितना आएगा 15.75, और इसको माइनस कर लेंगे n माइनस 1 इनटू 1.75, अब ये इधर मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15.75 को डिवाइड कर देंगे 1.75 से और ये n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से अगर इसको कट करूंगी तो ये आ जाएगा 7 टाइम और ये 25 से ये आ जाएगा 63 टाइम, और 7 से इसको कट करेंगे तो ये 9 टाइम, यानी कि 9 बराबर किसके हो गया n माइनस 1 के, यहां पर ये माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 10, तो यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी जो वीकली सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 20.75 रुपीस। थैंक यू।